गाइस आज हम शुरू करेंगे एंटो 311 का नेक्स्ट टॉपिक राइस स्टेम बैरर धान तना छेदक। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि धान तना छेदक मीन्स जो किसको हानि पहुंचाएगा, स्टेम को। तना छेदक मीन्स जो स्टेम को हानि जाता है। और जो इसका साइंटिफिक नेम है स्किरफैगो, और जो इसका जीनस है वो स्किरफैगो ही होगा। अब हम किस किस हेडिंग के अंतर्गत इसकी स्टडी को करते हैं, जैसे हमने पहले भी किया है लॉकस्ट भी किया है ग्रास ऊपर, है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, कि राइस स्टेम बैरर का क्लासिफिकेशन क्या है, इसका होस्ट प्लांट क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, और इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, ये किस तरह से डैमेज करता है, इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, और इसके प्रकोप जब हो जाता है या इसका अटैक होने के बाद हम इसका कंट्रोल कैसे करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन आपको पता है कि क्लासिफिकेशन में हम जब शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, फाइलम। तो इंसेक्ट्स की हम पहले ही बात कर चुके हैं जब से स्टार्टअप किया है 311 का, कि जो इंसेक्ट है वो कौन से फाइलम में आते हैं। आर्थ्रोपोडा इसके कैरेक्टर में आपको डिस्क्राइब 2-3 बार रिपीट कर दिए गए हैं। एंड सेकेंड है इसकी क्लास, क्लास क्या है, इंसेक्टा। अभी तक हम जितने इंसेक्ट पढ़ रहे हैं उसके हमने क्लास इंसेक्टाई पढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर लेप्टोप्टेरा, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है लेप्टोप्टेरा, और किस फैमिली से बिलोंग करता है पायरोस्टिडी, और जीनस और स्पीशीज। धान तना छेदक के जो जीनस है स्किरफैगो और इंसेक्टोप्टेरा, ये इसकी जीनस और स्पीशीज, इसको हम अंडरलाइन करते हैं जो कि इसके नोमेनक्लेचर या इसके नियमों के अनुसार, या तो इटैलिक में लिखते हैं टाइपिंग फॉर्म में, या हम इसको अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम होस्ट प्लांट की। तो इसका होस्ट प्लांट इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इसका होस्ट प्लांट कौन सा है। धान तना छेदक मीन्स इसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या होगा, धान। तो जो ये धान है या जो राइस है इसके प्लांट्स इसके होस्ट प्लांट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात करते हैं कि ये जो इंसेक्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से एरिया में है, या कौन कौन से देशों में पाया जाता है। तो जब हम इंडिया की बात करें या भारतवर्ष की बात करते हैं तो क्या है, जो धान प्रोडक्शन वाले स्टेट्स हैं या धान प्रोडक्शन वाले जो प्रदेश हैं जैसे उड़ीसा, केरल, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है, एक जो हमारे पास धान तना छेदक है, धान तना छेदक है जो स्टेम बैरर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन या इसका वितरण पाया जाता है। और जब हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं या विश्व स्तर की बात करते हैं तो जापान, फिलीपाइंस और पूर्वी देशों में यह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डैमेज की, या जो इसका डैमेज का नेचर कैसा है, या कौन सा इंसेक्ट की कौन सी जो फेज है लाइफ की वो इसे डैमेज करती है। तो जो डैमेज करती है वो स्टेज कौन सी है, लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज है जो क्या करती है, धान के पौधों को डैमेज करती है या उनको नष्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। और ये जब फसल स्टार्टअप होता है मीन जब नर्सरी होती है, इस फसल की नर्सरी क्या होती है, जब प्लांट्स को स्टार्ट किया जाता है, उगाया जाता है, नर्सरी से लेकर फसल पकने तक ये जो इंसेक्ट है इसका प्रकोप कभी भी हो सकता है। मैं जब वो नर्सरी प्लांट्स हैं, नर्सरी में उगे हुए प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तब भी इनका अटैक हो सकता है इंसेक्ट्स का। और अगर फसल हमारी पक चुकी है तो फसल पकने पर भी जो ये इंसेक्ट है स्टेम बेरर, इसका जो प्रकोप है तब भी हो सकता है। तो थ्रू आउट धान की जो फसल है, थ्रू आउट टाइम इसका प्रकोप कभी भी हो सकता है।
जो लार्वा है वो किसको अटैक करता है? नाम से हमें पता है कि तना छेदक कहता है। तना छेदक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तने के अंदर क्या करता है, अंदर पहुंच कर इसको डैमेज करता है, हानि पहुंच जाता है। तो हमें कौन सी फॉर्म इसकी डैमेज करती है प्लांट्स को? लार्वा फॉर्म। तो लार्वा क्या करता है, जो स्टेम के अंदर पहुंच जाता है, अंदर घुसकर उसको क्षति पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, जो छोटे पौधे होते हैं वो इससे प्रकोपित हो जाते हैं, इसके डैमेज से ग्रसित हो जाते हैं। और अगर उनकी जो मध्य कली का के बाद अटैक होता है तो मध्य कली का सूख जाती है और जो प्लांट है वो क्या होता है, डेड हर्ट बन जाता है, मीन्स उसमें ग्रोथ रुक जाती है। और अगर प्रारंभिक अवस्था है, मतलब नर्सरी प्लांट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लांट ही सूख जाते हैं। उसके स्टेम के अंदर जब अटैक करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट होगा, और न्यूट्रिशन के प्रभावित होने से क्या होता है, वो प्लांट सूख जाता है। और यदि फूल आने पर इसका प्रकोप होता है, मीन्स की प्लांट्स की इतनी ग्रोथ हो गई है कि उस पर फ्लोवर्स आ चुके हैं, तो तब अगर इसका, इस इंसेक्ट का या जो स्टेम बेरर है, तना छेदक है, इसका अटैक होता है, तो जो बालियां होती हैं जिसमें धान के दाने बनते हैं उसमें धान के दाने नहीं बनते और वो खोखली ही रह जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की। लाइफ हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो लाइफ हिस्ट्री में हमने पहले भी पढ़ा है कि इंसेक्ट्स में थ्री और फोर स्टेजेस को स्टडी किया है। थ्री स्टेजेस में एग, लार्वा एंड एडल्ट, एंड फोर स्टेजेस में हमने क्या स्टडी किया था, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ए जो इंसेक्ट है स्टेम बेरर, इसमें हमारे पास फोर स्टेजेस पाई जाती हैं, चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास एग, सेकंड है हमारे पास लार्वा, और थर्ड है हमारे पास प्यूपा, एंड फोर्थ है हमारे पास एडल्ट। तो ये जो चार स्टेजेस हैं ये इसकी पूरी लाइफ को कंप्लीट करती है कि एग से लेकर अडल्ट तक मेच्योर कैसे होता है। तो इस बिटवीन टू स्टेजेस आती हैं, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है। प्यूपा फॉर्म आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि प्यूपा किसे कहते हैं, जो लार्वा अपने बाहर आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन कर उसके अंदर सुरक्षित रहता है, तो वो जो फॉर्मेशन होती है उसे प्यूपा कहते हैं। और फर्स्ट हम बात करते हैं एग, इसका एग कब होता है, जब एडल्ट गर्मी शुरू होती है तभी हमें जो इनके एडल्ट हैं जो दिखाई देते हैं। और पॉपुलेशन के 2-3 दिन बाद ही क्या होता है कि जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेना शुरू करती है या एग देना शुरू कर देती है सिर्फ 2-3 दिन के बाद ही, पॉपुलेशन प्रोसेस के जस्ट बाद, मीन्स 2-3 डेज के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग देना शुरू करती है, जो क्या होता है 2 to 5 ग्रुप के ग्रुप्स में दिए जाते हैं। और जो एग है, जो अंडे है वो कहाँ दिए जाते हैं, जो लीव्स होती है, जो पत्ती है उसकी बिल्कुल नीचे की स्तर पर सिरे की ओर एग लिंग की जाती है। और ये साइज में कैसे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं, इनका जो आकार है वो क्या होता है, अंडाकार, और ये व्हाइटिश कलर के होते हैं। अंडाकार पहले भी आपने देखे कि इंसेक्ट के जो एग है वो कैसे इस शेप में अंडाकार ही, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये कि अंडाकार एग्स होते हैं, तो इसके भी जो एग्स हैं स्टेम बेरर के व्हाइट कलर के और अंडाकार होते हैं। और जब तक ये फूटते हैं या हैच हो जाते हैं तो ये ब्राउन या ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। स्टार्ट में जब अंडे दिए जाते हैं तो कैसे होते हैं, व्हाइटिश कलर के होते हैं, और जब ये पक जाते हैं, हैचिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो हैचिंग टाइम कंप्लीट होने तक इसका कलर ब्राउन या ब्लैक हो जाता है। और एग का जो समय है, ये जो अंडे का काल है वो क्या होता है, 5 to 8 डेज का होता है। अब बात करते हैं हम इसके लार्वा की, तो इसका जो लार्वा है वो क्या होता है,
थोड़े समय तक तो किसको खाता है, जो सॉफ्ट लीव्स होती हैं, कोमल जो पत्तियां होती हैं उसको खाते हैं, और बाद में क्या करते हैं वो तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। नेचुरल सी बात है, जब इसके नाम से क्लियर होता है कि स्टेम फेरर है, मींस ये तना छेदक है, तने को छेदता है, तने के अंदर चला जाता है, तो ये लार्वा स्टार्टअप में छोटी पत्तियां जो होती हैं कोमल पत्तियों को खाता है, और जब ये ग्रोथ करता है तो तने के अंदर घुस जाता है। और कैसा होता है ये, हल्के पीले रंग का, और इनका जो शरीर है वो पतला और मखमली चिकना होता है। तने के जो टिश्यूज हैं सॉरी तने के टिश्यूज को ये खाता रहता है और ग्रोथ करता रहता है, मीन्स इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो वृद्धि है वो तने को खाकर होती है। और जो बिल्कुल डेवलप लार्वा होता है या जो परिवर्तित लार्वा होता है वो 20 to 25 mm लंबा हो जाता है, और 5 बार इसमें निर्मोचन की क्रिया होती है। जो निर्मोचन की प्रक्रिया है वो 5 टाइम या जिसको त्वचा निर्मोचन भी कहते हैं 5 बार होता है, और ये 18 से 30 दिन में पूर्ण विकसित हो जाता है। निर्मोचन होने के बाद कितना टाइम लगता है, 18 to 30 days में जो लार्वा है वो विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और अब ये लार्वा तने के अंदर सुरंग में प्यूपा में बदलता है। इम्पोर्टेंट बात कि अब जो ये लार्वा है विकसित हो गया, विकसित होने के बाद लार्वा की नेक्स्ट कौन सी फॉर्म है, प्यूपा, और ये प्यूपा कहाँ बनाता है, कहाँ प्यूपा फॉर्म में बदलता है, सुरंग में, मीन्स ये हमारे पास स्टेम है तो स्टेम के अंदर जो ये लार्वा प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद यहाँ पे इस सुरंग बनाकर इसके अंदर ये प्यूपा फॉर्म में ज्वेल्प हो जाता है, ये प्यूपा फॉर्म में बदल जाता है। प्यूपा फॉर्म कैसे होते हैं इसके बाद, कि जो लार्वा है वो प्यूपा में बदलने से पहले बाहर निकलने का अरेंजमेंट कर लेता है। मीन्स इनकी जो इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में भी इतनी इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं कि जो लार्वा का काम है इस स्टेम के अंदर से, अब यहाँ पे अगर ये ग्रोथ कर रहा है ना, प्यूपा फॉर्म यहाँ बन रहा है हमारे पास, जब प्यूपा फॉर्म सुरंग के अंदर बन गया तो इस सुरंग के अंदर जब एडल्ट बन जाएगा तो ये एडल्ट बाहर भी तो निकलेगा ना, कहीं से अंदर तो आ गया, तो ये लार्वा क्या करता है इसके अंदर इस तने के अंदर एक छेद बना लेता है, और इस छेद को क्या करता है पतले धागे से कवर कर देता है, जिससे क्या तने के अंदर होने वाला छेद दिखाई नहीं देता है। वो तने के अंदर छेद बना के उसको एक पतले धागे से कवर करके सतह को बराबर कर देता है, और ये जो बनाता है, ये छेद जो बनाता है लार्वा, ये पानी की सतह से ऊपर होता है और धागे से पतले धागों से द्वारा बंद रहता है। अब क्या करता है, जब एडल्ट इंसेक्ट बनता है या प्रोड बनता है तो वो इस छेद से ही बाहर निकलता है। मींस काम किसने किया, लार्वा ने पहले ही छेद बना दिया कि जब एडल्ट बनेगा तो एडल्ट इससे बाहर जाएगा, ये इसकी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है। लार्वा क्या करता है, कैसा बनाता है कोकून, गोल कोकून बनाता है, और किसका बनाता है, सिल्क या रेशम का कोकून, और इसके अंदर ये जो स्टेज होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्यूपा। कोकून को बनाकर जो लार्वा अंदर रहता है ये हमारे पास स्टेज कहलाती है प्यूपा। और प्यूपा कैसे होता है, पीले सफेद रंग का, 13 mm लंबा, और जो प्यूपा का टाइम होता है, प्यूपा काल होता है वो 7 to 10 days का होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो एडल्ट है या जो इसका प्रौढ़ है वो कैसा होता है। प्रौढ़ जो है वो कैसा होता है, एक तो उसका जो कलर है वो हल्के पीले रंग का होता है या घास जैसा, मीन्स ग्रीनिश कलर का होता है। और जो फीमेल इंसेक्ट है वो क्या होती है, प्रौढ़ की बात करते हैं तो वो मेल इंसेक्ट से बड़ी होती है, और फीमेल इंसेक्ट के जो अगले पंख है उस पर एक काला धब्बा पाया जाता है, ये क्या होते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन करेक्टर होता है, किसका, मेल और फीमेल का। फीमेल के क्या, अगले जो पंख है उस पर एक काला धब्बा पाया जाता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता है।
और मेल में क्या होता है, ये जो हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि फर्स्ट लुक में हमें क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसकी बाह्यता कि हमारे सामने दो इंसेक्ट्स पड़े हैं, तो मेल और फीमेल को यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट जो करेक्टर है हमारा ध्यान कहाँ स्टक करता है कि दिखाई देने में ये दोनों इंसेक्ट किस तरह से हैं, किसकी बॉडी पे क्या पंख पाए जाते हैं या उन पंखों के ऊपर किस प्रकार के स्पॉट पाए जाते हैं। तो ये जो सारे करेक्टर होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन या उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेल में फीमेल में क्या होता है, काला धब्बा होता है, जबकि मेल में क्या होता है, पंख के जो शीर्ष किनारे होते हैं उस पर 8-9 काले छोटे छोटे धब्बे होते हैं। वो क्या ना डिफरेंस, उसपे क्या हुआ, यदि ये पंख है उस पर एक काला बड़ा धब्बा पाया जाता है और उसपे क्या है, उसके पंख पे 8-10 छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। तो डिफरेंस हमारे पास सामने है, इस प्रकार से धब्बे पाए जाते हैं और उसपे एक ही बड़ा धब्बा पाया जाता है। और जो फीमेल इंसेक्ट है उसका जो एनल रीजन होता है वो पीले भूरे रंग का बालों का एक गुच्छा भी पाया जाता है। फीमेल का सेकंड कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि फीमेल है उसका जो एनल रीजन होता है, एनल रीजन में पीले भूरे बालों का गुच्छा पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स लाइट रैप हम इनके लिए लगा सकते हैं। और ये कब से कब तक रहते हैं, अक्टूबर नवंबर तक एक्टिव रहते हैं। अडल्ट इंसेक्ट जब गर्मी शुरू होती है तब दिखाई देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका कॉपुलेशन और एग एंड लार्वा एंड प्यूपा, तो ये अब तक अक्टूबर नवंबर तक एक्टिव रहते हैं और फिर से लार्वा तथा प्यूपा अवस्था में जून तक ये सुप्ता अवस्था में रहते हैं। गर्मी जब शुरू होती है तभी दिखाई देते हैं हमें ये इंसेक्ट जो उसके प्रोड हैं, तो जून तक क्या कहते हैं, ये सुप्ता अवस्था में ही रहते हैं इसकी लार्वा और प्यूपा जो फॉर्म है। और लाइफ साइकिल क्या होता है, 32 to 51 days, मतलब लगभग 1 महीने से लेके अबाउट 2 मंथ तक रहता है इसमें, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो पूरा हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको क्या होता है कि पहले हमने जब इंसेक्ट पढ़ा था तो उसकी एक वर्ष में एक पीढ़ी मिलती है या एक वर्ष में 2 से 5 या एक से अधिक 2 से 5 तक पीढ़ियां मिलती हैं, ऐसा हमने स्टडी किया है कि 2 से 5 तक पीढ़ियां मिलती हैं या 2 से 7 तक पीढ़ियां मिलती हैं। अब इसमें क्या करेक्टर स्पेसिफिकेशन है कि इसमें अलग अलग प्रदेशों में, मीन्स अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट में एक साल में जो जनरेशन मिलती है, जो पीढ़ियां मिलती हैं वो अलग अलग होती हैं, 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं और किसी प्रदेश में 5 भी मिलती हैं। ये इसके टेम्परेचर वेरिएशन के कारण होता है, तापक्रम में विभिन्नता के कारण ऐसा प्रोसेस होता है कि एक साल में 2 पीढ़ियां भी मिलती हैं और किसी स्टेट में एक साल में 5 पीढ़ियां तक भी मिलती हैं। अब ये इसका लाइफ साइकिल देखो, एग एग से 5 to 8 days में लार्वा की फॉर्मेशन, लार्वा से 18 to 30 days में प्यूपा की फॉर्मेशन, 7 to 8 days में एडल्ट, अब एडल्ट टू एग 2-3 days मीन्स जो पॉपुलेशन पीरियड है, पॉपुलेशन पीरियड के जस्ट बाद, पॉपुलेशन के जस्ट बाद क्या होता है, 2-3 days बाद फीमेल इंसेक्ट है जो एग लेइंग करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो कंट्रोल है या इसका जो प्रकोप हो जाता है या इसके प्रकोप से बचने के लिए किस तरह के हमें उपाय करने चाहिए। नंबर 1 तो है कि फसल जब काटते हैं तो उसके जो अवशेष बचते हैं, किसी भी प्रकार के जो अवशेष है उनको नष्ट कर देना चाहिए। और कीट प्रतिरोधी मीन्स जो इसके ऐसे जो इन इंसेक्ट से जो प्रतिरोधी जाती हैं जैसे रत्ना जया IR20 IR26 आदि को उगाना चाहिए और अंडों को खोज कर ढूंढ ढूंढ कर उनको नष्ट कर देना चाहिए। अब लाइट रैप लगा सकते हैं खेतों के पास, लाइट रैप लगाने से क्या होगा, ये इंसेक्ट लाइट में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये लाइट रैप से हम इनको कलेक्ट करके भी नष्ट कर सकते हैं। और अगर फसल पर प्रकोप हो जाता है तो कुछ ये दवाएं हैं जो कि फसल पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं, पानी में घोल कर, ट्राइजोफास, क्यूनिलफास, एसीफेट, ऐसी जो दवाइयाँ हैं, कई तरह की और भी दवाइयाँ हैं जो कि इनके ऊपर पानी में मिक्स करके
डाली जाती हैं।